संदेश खाली पे शेर की तरह दहाड़ने वालों ने प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल पर क्यों चुप्पी साध रखी है। प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। अब कहां गया मोदी जी का परिवारवाद। नमस्कार दोस्तों, ई दिना में आपका स्वागत है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते, पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के भतीजे, उनके सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। प्रज्वल जो कि मौजूदा लोकसभा सांसद हैं और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा JDS के हासन चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं, पिछले हफ्ते प्रज्वल रेवन्ना के 3000 के करीब वीडियो हासन में वायरल हुए। इन वीडियोज़ में वो अलग अलग महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाई दिए। इनमें से एक महिला ने यौन उत्पीड़न का केस भी रजिस्टर किया है। ये बहुत ही परेशान कर देने वाले वीडियोस हैं। कई वीडियोस में महिलाओं के चेहरे भी दिख रहे हैं। इनमें से 3 महिलाओं ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। एक हफ्ते से ये अश्लील वीडियोस सर्कुलेशन में थे, लेकिन सिर्फ 2 मीडिया पोर्टल्स, जिनमें से एक ई दिना है, उन्होंने इस खबर का खुलासा किया। 24 अप्रैल को कर्नाटका राज्य महिला दौर्जन्य विरोधी वेदिके ने महिला आयोग को एक पत्र में बताया कि हासन शहर में प्रभावशाली पॉलिटिशियन की बहुत सारी महिलाओं के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के वीडियो वाली एक पेन ड्राइव सर्कुलेट हो रही है, जिससे इन महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है और इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद 25 अप्रैल को कर्नाटक महिला आयोग ने कर्नाटक पुलिस और CM सिद्धरमैया को इस मामले की जांच के लिए SIT के गठन की बात की। 26 अप्रैल को कर्नाटका के 14 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जिनमें से हासन भी था। अगले दिन प्रज्वल रेवन्ना फ्लाइट पकड़ के यूरोप भाग जाते हैं। जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस सरकार SIT के गठन का ऐलान करती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इतने समय से वीडियोज अवेलेबल थे तो मीडिया में इसे आने में इतना समय क्यों लगा। आपको ये बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना ने पिछले साल जून 2023 में ही बैंगलोर कोर्ट से मीडिया हाउसेस के खिलाफ एक मीडिया इंजंक्शन लिया था कि उनके खिलाफ मोर फोटो, वीडियोस और फेक न्यूज रोकी जाएं। कोर्ट ने भी दे दिया। अब अगर उन्हें इतना ही कॉन्फिडेंस था कि ये वीडियोस फेक हैं, डॉक्टर्ड हैं, तो वो SIT के गठन से पहले ही देश छोड़ के क्यों भाग गए। एक सवाल और उठता है, कोर्ट क्यों इस तरह के मीडिया इंजंक्शन बांट रहा है पॉलिटिशियंस को। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019 के चुनाव से पहले बैंगलोर साउथ के भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी कोर्ट से मीडिया गैग ऑर्डर लिया था। 49 मीडिया आउटलेट्स को उनके खिलाफ अपमानजनक सूचना पब्लिश ना करने का। उन्होंने ना तो सिर्फ प्रिंट, ऑनलाइन मीडिया, TV चैनल्स, WhatsApp, Facebook, YouTube और Google सबको ही इस गैग ऑर्डर में शामिल किया था। बैंगलोर के कोर्ट्स भी बिना किसी सवाल जवाब के मीडिया की जबान बंद करने के लिए खुशी खुशी से ऑर्डर देते रहे। ज़्यादातर गैग ऑर्डर्स पॉलिटिशियंस की तरफ से ही आते हैं। साल 2023 में ही 23 भाजपा लीडर, 8 कांग्रेस और 3 JDS लीडर्स ने मीडिया गैग ऑर्डर्स लिए। क्या कोर्ट भी मीडिया की आवाज़ को दबा रहा है इस तरह के गैग ऑर्डर धड़ल्ले से बांटकर। प्रज्वल रेवन्ना कौन है अब तो ये सबको पता है। उनकी पार्टी JDS इस बार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और जैसा कि खबरें आ रही हैं, हासन के भाजपा के सीनियर पार्टी लीडर देवराजे गौड़ा और प्रीतम गौड़ा ने इन वीडियोस की जानकारी स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट येडियुरप्पा के बेटे B. Vijendra को और होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र के जरिए दिसंबर में ही दे दी थी। इसके बावजूद भाजपा JDS के साथ अलायंस बनाने में लग गई। इसी के साथ भाजपा ने प्रज्वल रेवन्ना को ना सिर्फ टिकट ही दिया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए प्रचार भी किया। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि PM मोदी ने कथित रूप से रेप के मामलों में आरोपित व्यक्तियों का साथ दिया है। जरा याद करते हैं, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, हाथरस के आरोपी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, BHU में एक महिला स्टूडेंट के साथ रेप करने के आरोपी, भाजपा के IT सेल के मेंबर्स, सब जगह भाजपा के नेता और मोदी जी इन आरोपियों के साथ नजर आए। अब इनमें एक नाम और जुड़ गया है, प्रज्वल रेवन्ना का। और हम महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी तरफ से अभी तक एक भी बयान नहीं आया है इस मामले में। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले बंगाल में संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उस समय मोदी जी उन महिलाओं के पास गए और उनका दुख सुना।
एक महिला को तो चुनाव का टिकट भी दिया। संदेश खाली पर शेर की तरह दहाड़ने वालों ने प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल पर क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या ये महिलाएं हिंदू नहीं हैं? मोदी जी, क्या हासन की महिलाओं को भी न्याय मिलेगा या वो भी बिल्किस बानो और मणिपुर की महिलाओं की तरह इंतजार करती रहेंगी? इसी तरह की न्यूज और चर्चाएं देखने और सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए edina.com। धन्यवाद। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು edina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।